टेक्निकल इशू प्रॉब्लम, मेरी वो पॉज हो गई थी रिकॉर्डिंग, फिर से निकालते हैं फर्रफ। कौन सा देख रहे थे फर्रफ? नीचे दस पीजिए में गणेश बेटर। नहीं है, अरे कंपनी चलाइए। अब भाई हमने कहा था जंपिंग जपांग हो रहा था तो इसको हमने भर दिया, और इसका टीममेट वहीं पीछे था। ये सामने वाला मतलब ये जो पेड़ दिख रहा है इसको छोड़ के जो और आगे पेड़ दिख रहा है ना उसके पीछे होता, तो यहाँ पर मैंने आराम से एक बैंडेज लिया, एक बूस्टर भी ले लिया भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं थी। अब भाई ने नेट डाला था लेकिन तुम्हारे भाई ने जानते यार आराम से इनको खत्म कर दिया। इनके बाद इनकी मस्त बढ़िया वाली लूट लूटी और यहाँ से चल दिया। अब देखो यहाँ पर फाइनली मैं आया तो मेरे को आगे ये अलग कंपाउंड पड़ा, यहाँ पर कोई था नहीं, लेकिन आगे यहाँ पर जहाँ पर ये मैकलरन खड़ी रहती है यहाँ पर एक बगी ठुकी थी, तो मेरे को शक हुआ। अब देखो पीछे मेरे को कोई मिला नहीं और घर में भी कोई था नहीं, तो मैं गाड़ी लेकर जाने लगा वापस अपार्टमेंट। ये हो सकता है किसी की बगी ठुकी हो वहाँ पर, लेकिन मैप देखो यहाँ पर किसी ने एक बुलेट चलाई। अब एक बुलेट भी बहुत कहाँ ही चलाते हैं, तो मेरे को यार फिर शक हुआ कि कोई बंदा है जो मेरे को बुलाने की कोशिश कर रहा है, और घरों पर तो बंदे थे नहीं, तो यही जो मैकलरन वाली बिल्डिंग है इसी में बंदे होंगे या फिर बंदा होगा। अब मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, क्या कोई ग्लिच तो नहीं आ गया साला, ग्लिच करके उसमें छुपा हुआ है और मैं उसको ढूंढता ही रह जाऊं। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी फटी पड़ी थी, लेकिन यार चेक भी तो करना था क्योंकि किल का लालच था यार, सिर्फ तीस बंदे बच रहे थे यार, और तुमको पता है यार कितनी किल्लत होने वाली आगे जाके। अब देखो यहाँ मैं चक्कर काटने लगा इस उम्मीद में कि वो मेरे को दिख जाएगा, बट हुआ कुछ और। अब देखो भाई साहब वहां पर तो हमको बंदा नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जरूर मेरे को एक बंदा स्पॉट हो गया था, तो मैं गाड़ी लेके आया इस वाले कंपाउंड पे और भाई उसने भी मेरे को देख लिया था। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि उसके साथ करना क्या है, अभी मैंने सोचा कि मेरे को नेट डालना है और वो तो नेट ऑलरेडी तैयार करके बैठा था, लकली वो नेट अंदर नहीं आया और मैं बच गया, और मेरा नेट भी उसके कोई पास नहीं गया। अब मुझे पता था वो गाड़ी के पीछे, मैं दूसरा नेट फेंकने जा ही रहा था कि मेरे को उसके पैर दिखे गाड़ी के नीचे से। अब ज्यादा तो नहीं बट दो हिट मार्केट जरूर आए, तो मतलब वो थोड़ा बहुत डैमेज था। अब यहाँ पर मैं उसको मारने की सोच रहा था कि तभी मेरे कहीं और से फुट स्टेप आए, भाई इसका बंदा ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। बस जो भी हो उसको तो हमने भर दिया था, अब प्रेशर पूरा इसके ऊपर आ गया था क्योंकि टीममेट को भी तो बचाना है भाई। तो यहाँ पर मैं घर के अंदर गया थोड़ा हाइट एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था टीममेट को तो पता नहीं जाएगा भाई, छोड़ेगा तो है नहीं, और मेरे को लग रहा था टीममेट छत पे नॉक हुआ है शायद वो नीचे नहीं उतर पाएगा, लेकिन जब मैंने उधर देखा तो वो नीचे उतर गया था, तो मैं समझ गया कि अगर मैं यहाँ रुका तो कोई फायदा नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पर इस उम्मीद से आया था कि मैं उसको रिवाइव नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर रिवाइव नहीं दिया तो फिर 2v2 सिचुएशन कोई फायदा नहीं है। अब देखो वो बंदा पीछे गया था, मैंने असल में उसे जाने दिया, मैं फिनिश कर सकता था, मैं उसे जाने इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता था कि वो इसको रिवाइव देने और मैं इसे नेट डाल के फिनिश कर दूं दोनों को। अब यार ये दोनों चलाक थे, ये कवर में आ गए और ज्यादा, लेकिन मेरे को पता था कि अब मैं इसको रिवाइव करने तो दूंगा नहीं इसके टीममेट को, और इसका टीममेट तड़प के मर गया भाई, थोड़ा गुस्सा होगा इसका टीममेट लेकिन कर भी क्या सकते हैं। लेकिन भाई अब बारी थी इसको मारने की, ताकि इसका टीममेट को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, जल्दी से लॉबी भेजूं ताकि दोनों एक साथ फिर से एक नया गेम स्टार्ट कर सकें। भाई थोड़ा हमारा भी तो फर्ज बनता है ना लोगों का ध्यान रखने का। तो यहाँ पर देखो बंदा सामने था, अब भाई ने पुश करा, अब देखो यहाँ पर तो इन दोनों को खत्म कर दिया, मतलब कोई इपिक फाइट नहीं थी यार, लेकिन दोनों को मारने मजा जरूर आई मेरे को, मतलब पूरा सिचुएशन अंडर कंट्रोल रख के मारा उनको। वेल यहाँ पर अब मैं जा रहा था अपार्टमेंट और मेरे को दिखा अपार्टमेंट पे एक गाड़ी, और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे को पिक दे रहा है, तो यहाँ मैं पत्थर के पास गाड़ी रोकने आया कि AWM तो नहीं है, स्नाइपर तो नहीं मार दूंगा,
बट यार वहाँ पर कोई था नहीं, बस मेरे को लगा था। लेकिन फिर भी मैं चेक करने गया क्योंकि गाड़ी तो वहाँ थी। अब गाड़ी मेरे को भले ही यहाँ दिखी हो लेकिन बंदे तो कहीं और निकले बाबा। यार ये अपने आप स्कोप बंद होने वाला ग्लिच भाई, जितनी जल्दी सही होगा मेरे लिए उतना अच्छा रहेगा, लेकिन कर क्या सकते हैं, जब तक ये ग्लिच है काम चलाना पड़ेगा इससे। यार मेरे को लगता है ग्लिच नहीं है, असल में मेरे को लगता है जो स्क्रीन गार्ड लगा रखा है ना मैंने, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वेल जो भी हो, सामने बीआरडीएम वाले जा रहे थे और उनका इरादा भागने का नहीं था, वो जानते तो भाग सकते नहीं मेरे से, तो वो रुके मेरे को भरने के लिए। अब यहाँ पर मैं आया तो मेरे को वो यहाँ दिखे नहीं, तो मैंने सोचा शायद वो आगे गए क्योंकि मेरे को साउंड आया था, लेकिन तभी मेरे को एक बंदा दिखा। मेरे भाई मैंने हक दिया था और दो दो आ रहे थे तो मैंने उनको फेक करा कि मैं दूसरी तरफ से आने वाला हूँ, जैसे ही वो मिड़े में वापस इधर से आया दोनों को बढ़ दिया। ओहो क्लीन था एकदम। वेल जो भी हो, उनसे मेरे को एक फ्लेयर मिली तो मैंने फ्लेयर चला दी और उनके बीआरडीएम में घुस के बैठ गया, कोई आएगा तो उसे मार दूंगा। लेकिन यार बीआरडीएम में फ्यूल नहीं था तो मैं फ्यूल ढूंढने लगा कंपाउंड में। अब फ्यूल तो नहीं मिला लेकिन सामने वाली जो रिज है ना वहाँ पर एक गाड़ी आ गई। अब नहीं मेरे को गाड़ी दिख रही थी नहीं बंदा, क्योंकि उसने रिज के डेप्थ में रोकी थी और तभी हमारे पीछे लड़ाई हो गई, हमारे नहीं मेरे पीछे लड़ाई हो गई। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डरा था क्योंकि दोनों तरफ बंदे आए थे, लेकिन उससे ज़्यादा टेंशन में ये था कि भाई वो मेरी किल चुरा रहे थे और तुम्हारे भाई के सिर्फ अभी 9 किल हुए थे और 9 ही बंदे बच रहे थे, तो ये सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी, तुम्हारे भाई के फेवर में नहीं थी क्योंकि किल्स नहीं बनते इस तरह। तो यहाँ पर मेरे को कुछ तो करना था भाई, तो मैं थोड़ा सा पेशेंस रखे था कि कोई तो पीक देगा, कहीं से तो पीक देगा, लेकिन कोई कुछ दे नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि भाई अब तुम्हारा भाई रिस्क लेगा, तो मैं गया नीचे। अब देखो ऊपर फुल ऑन बैटल चल रही थी लेकिन तभी मेरे को रिच से गाड़ी निकलती हुई सुनाई दी। यार ये प्रोन होने का कोई मेरे पास प्लान नहीं था, वो स्कोप मेरा ऑटोमेटिक बंद हो गया तो मेरे को प्रोन ना पड़ गया। अब देखो ड्रॉप से तो तुम्हारे भाई को बेस्ट वाली गन मिल गई AWWM, अब बस ढूंढना था ऊपर वाले को और भर देना था, मतलब ऊपर वालों को। अब वो मेरे को पीक नहीं दे रहे थे तो मैं वहां से जाने लगा, लेकिन तभी फायर हुआ और मेरे को बंदा भी दिखा। लेकिन जब मैं आगे आया तो यहाँ पर अब मेरे को कोई दिखा नहीं, शायद गाड़ी में हाइट मेरे को मिली थी उसकी वजह से वो दिखे थे। वेल जो भी हो, मुझे पता था कि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं तो मैं आगे जाने लगा। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार, अब आज के गेम प्ले तुम देखना यार, आज के गेम प्ले में लाली छाई रहेगी भाई क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था असल में पबजी में। अब यहाँ पर आज फिर मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, स्कूबी के साथ खेल रहा हूँ और भाई साहब बस गेम पे देखा तुम पता नहीं क्यों बस तुमको देखना चाहिए तो इसलिए मैंने कह दिया। बस जो भी वो मेरे को मिली थी शॉटगन और कसम से बता रहा हूँ पूरे तीनों वेयरहाउस में शॉटगन नहीं थी, बगल वाले कंटेनर्स पर शॉटगन नहीं थी, शॉटगन बोल रहा मतलब गन्स ही नहीं थी, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा था समझ रहे हो, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिलहाल मेरे को पता था कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं उतरा हूँ, मेरे जस्ट बगल वाले वेयरहाउस में एक बंदा उतरा है जिसको पता नहीं गन मिली कि नहीं मिली ये नहीं पता था, लेकिन वो मेरे को दिखा तो यहाँ पर मैं फ़ौरन भाग के गया उसको मारने के लिए, लेकिन जब हाथ में शॉट गन हो तो आप कर ही कह सकते हो ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर वो बंदा बच के भागा था लेकिन यहाँ पर आके छुप गया था और मैं कूद के आया और भागा भागा इसको दो शॉट रखा और ये मर गया। अब उसके बाद हम लोग सामने वाले कंटेनर को लूट रहे थे भाई कि कोई गन तो मिल जाए, लेकिन यार यहाँ पर भी सिर्फ शॉट गन्स पड़ी हुई थी। अब भाई मैं 6x उठाना चाहता था लेकिन वो 6x उठाने के चक्कर में मैं हो गया नॉक और अब यहाँ पर स्कूबी को मुझे रिवाइव देना था। अब यार उस बंदे ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, वो सीधा कूदता फांदता हुआ इस कंटेनर पे आ गया मेरे को मारने के लिए और तभी यहाँ पर एक बॉट भी आया। वेल मुझे बाद में पता चला कि वो बॉट है, पहले तो मैं बंदा समझ के ही डर रहा था क्योंकि HP ख़त्म ही थी तुम्हारे भाई की। अब यार यहाँ पर हमको कंटेनर पर उस बंदे को छलने की आवाजें आ रही थी और वो मेरे को दिख गया, इज़ी तो नहीं कहेंगे बस मार के बड़ा मजा आया। फिलहाल यहाँ पर एक बॉट था जिसको मैंने इसको भी कह दिया था उसको तो मैं ही मारूंगा।
अब इस बॉट को मारने के बाद इसको लूटा हम लोग ने, उस बंदे को लूटा और फिर सीधा मैं दौड़ गया उधर ही जिधर डायरेक्शन से बहुत देर से फायरिंग आ रही थी भाई। तो मैं सबसे पहले याले कंटेनर के पास आया, यहाँ पर कोई नहीं था बट इसके सामने जो कंटेनर पड़ता है ना वेयर हाउस के पीछे, वहाँ पर से एक बंदा टीवी चला रहा था और वो किसी ना किसी के ऊपर भी चला रहा होगा, तो मिनिमम दो बंदे उधर थे ही थे, तो हम लोग सीधा उधर ही जाने लगे। अब यार इससे पहले कि हम लोग उस बंदे को ढूंढ पाते जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एक और टीम आई। अब यार इस बंदे को तो दबा के रखा था, मतलब एक हेड एक बॉडी, इसकी हालत तो बहुत ही बेकार थी। लेकिन यार स्कूबी का कहना था कि वहां पर वेयर हाउस में एक बंदा आ गया है। अगर उसको मैंने जल्दी से खत्म करा, रीलोड नहीं करा था, रीलोड कवर में आगे करा और अब हमला बोल दिया। ओ भाई इधर दोनों ने क्या ही हगा भाई, मतलब चुम्मा दोनों के दोनों ने हक दिया। वेल उसको भी नॉक हो गया था यार, वो नॉक नहीं होता मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं उसकी हेल्थ इतनी लो है, हमला कर दिया। वेल यहाँ पर इसको भी ने बोला कि ऊपर मतलब ये जो क्रेन बनी हुई है ना इसके ऊपर बंदा चढ़ रखा है, तो यहाँ पर मेरा फोकस उसके ऊपर था। अरे मैं इसी की बात कर रहा हूँ, चढ़ने के दो रास्ते होते हैं ना दूसरी साइड, एक ही दिखा मेरे पे आ रहा है, मेरे पे आ रहा है। अब इसका एक बंदा नीचे था जिसने स्कूबी के ऊपर हमला कर दिया। अब देखो मुझे पता था कि जो इसका साथी है वो ऊपर ही है, वो नीचे नहीं आया, तो स्कूबी को यहाँ पर मैंने कहा कि जल्दी से हेल्थ लगाओ उसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो एक मॉली डाल के देखते हैं। अब पता नहीं क्या सोच के ही मैंने फेंका, मॉली तो ऊपर नहीं गया बल्कि वो मॉली स्कूबी के ऊपर ऑलमोस्ट गिर गया था। अब यहां पर देखो मैं क्रेन के ऊपर आ गया और दूसरी तरफ से स्कूबी के आ जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यार हो गया उल्टा, उस बंदे ने स्कूबी को ऊपर ही रश कर दिया तो उसके पीछे से मैं आया फिर, और भाई को क्या ही मारा है, मतलब भाई पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया होगा ऊपर मारूं या नीचे। वेल जो भी उसकी कमाल की लूट हमने उठा ली और भाई हमारे सामने एक ड्रॉप भी गिर रखा था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ एक ड्रॉप भी ले लेते हैं साले को, क्या पता EWM मिल जाए। अब भाई EWM तो नहीं मिली लेकिन MK जरूर मिल गई जिसको मैंने उठा लिया भाई, क्योंकि क्लोज रेंज में ये गन बीस्ट है। वो अलग बात है कि ये DMR है लेकिन यूज तो असॉल्ट राइफल की तरह होती है। वेल हमारे ऊपर यहाँ पर फायर हुआ, अब मैं उसको भी सीधा उसी डायरेक्शन में गए जिधर से फायर आया था और भाई यहाँ पर बहुत लोग लड़ रहे थे। अब यहाँ पर एक और गाड़ी थी लेकिन पहले मेरे को 6x को 3x बनाना था, भाई ये आदत नहीं सुधरेगी मेरी। अब देखो हम लोग सीधे गए वेयर हाउस में और यहाँ पर मैंने एक बंदे को देख लिया था, तो मुझे बस उतरते इसको ही मारना था, तो मैं अंदर घुसा लेकिन मेरे को एक नॉक दिखा। अब यार देखो भले ही मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया था लेकिन सच्ची बताओ मेरे दिमाग में एक बार बात ये आई थी कि मैं उसको नॉक ना करूं, क्योंकि उसका एक साथी नॉक था तो मैं सोच रहा था कि पहले वो जो नॉक है उसकी किल चुरा लूं फिर उसको मारूं। लेकिन जो भी हो स्प्रे में आ गए थे बंदा, तो ये बंदा तो नॉक हो गया लेकिन पता नहीं किस टीम का एक बंदा आया जिसने मेरे को नॉक कर दिया। अब कमाल की बात ये है कि जो बंदा मेरे को नॉक दिखा था ना वो भी इन दोनों टीम का नहीं था, वो किसी तीसरी टीम का था,
वो बात मेरे को यहाँ पर पता चली क्योंकि जब मैंने हेल्थ लगाया और मैं आगे गया चेक करने के लिए तो वो मेरे को दिख गया। मतलब कौन किसकी टीम का है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद ये बॉट था क्या था मालूम नहीं। वेल जो भी हो, जहाँ पर हम लोग इसको लूट रहे थे और एक बंदा पहाड़ी से हम पे नज़र रख रहा था क्योंकि देखो उसने स्नाइपर चलाई। अब ये कार 98 थी सप्रेस्ड, तो यहाँ पर मैं जानता था कि मेरे को इसके ऊपर कोई बढ़िया सा एम लेके इसको मारना पड़ेगा क्योंकि भाई स्नाइपर चला रहा था लौंडा यार, ऐसे तो पेड़ दिखा के भाग नहीं सकते थे। अब मैंने देख लिया था कि वो पत्थर के पीछे और काफ़ी दूर था, तो यहाँ पर मेरे को एक K9 लेनी पड़ी। अब देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 6x लगा लिया था K9 पे, लेकिन जब स्कोप लिया तो यार रेड डॉट ही लगाया, तो मैंने फिर से स्कोप चेंज करा। अब मेरा सच बोलूँ तो एम तो सही था बट डिस्टेंस ज़्यादा थी और वो बंदा हाइट पर था जिसकी वजह से उसे थोड़ा जीरोइंग का बेनिफिट मिला और उसे बॉडी लगी वरना हेड ही लगती। वैसे भी लेवल 3 था उसके पास तो वो बचे जाता, तो यहाँ पर अब हमको उसके ऊपर डिस्टेंस क्लोज इन करनी थी क्योंकि भाई लॉन्ग रेंज की फाइट का कोई मतलब नहीं है जब आपके पास लेवल 3 हो और सामने वाले के पास लेवल 3 हो। तो यार इसको तो बहुत ही ज़्यादा आराम से मारा, लेकिन सामने गटका की तरफ देखो एक फ्लेयर चल रखी है और वहाँ पर फ्लेयर ड्रॉप भी आ गया, तो यहाँ पर हमने जल्दी से फर्स्ट एड वगैरह जो भी लगानी थी लगाई, उसके बाद सीधा हमला करा भैया गटका में क्योंकि फ्लेयर नहीं छोड़ सकते थे, इसमें मिलती है AWM। देखो यहाँ पर हम लोग आए और ड्रॉप जो है इस घर के जस्ट आगे गिरा था, मेरे को लगा छत पे कोई होगा बट छत पे कोई नहीं था। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हमको ये नहीं पता था ये बंदा कहाँ है क्योंकि भैया देखो कोई भी अपने ड्रॉप को छोड़ के तो जाता है नहीं, और यहाँ पर वो इस घर में नहीं है तो भैया कौन से ही घर में होगा पता नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस इलाके में घास बहुत बड़ी बड़ी है, और यहाँ पर मैं तो नहीं गया, मैं तो एकदम ऊपर बैठा हुआ था, मैं नीचे नहीं जा रहा था, लेकिन इसको भी हिम्मत करके नीचे चला गया। अब यहाँ पर जैसे ही शिकार खुलने में आया तब ये भाई साहब जो है बाहर निकले। वेल जो भी हो, मैंने इसे कूदा स्कूबी को बचा लिया, लेकिन यहाँ पर मेरा रिवाइव का ग्लिच हो गया था, स्कूबी को मैं रिवाइव नहीं दे पा रहा था और फिर मेरा रिवाइव वाला बटन ही चला गया यार। अब यहाँ पर मैं बहुत मूव कर रहा था बट वो बटन नहीं आ रहा था यार, लेकिन फाइनली मेरे को उसका बटन आया और मैंने स्कूबी को यहाँ पर रिवाइव दिया। अब देखो गटका में कुछ रखा नहीं था और हमारे सामने एक ड्रॉप गा रहा था, मतलब फ्लेयर ड्रॉप था, ये भी ये चला था सीधे सामने वाला जो दिख रहा है ना तुमको कंपाउंड वहाँ पर। तो हम लोग गाड़ी लेके उधर ही जाने लगे, मैंने इसको भी पूछा क्लोज पे ले लूँ या फिर दूर से ही स्नाइपर शॉट मारूँ, इसको भी निकाल देख लो अपने हिसाब से। वह मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा गाड़ी ले जाकर ठोकता हूँ पीछे। अब यार ये इस पर तो बहुत गजब का था, लेकिन हम लोग मैच जीत गए आगे जाके, अब रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई समझ लो। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार, तो आज तुम्हारा भाई खेल रहा था अकेले, मतलब साथ में खेलने के लिए कोई था नहीं, लेकिन यार अकेले भी काम चली जाता है तुम्हारे भाई का। तो हम उतरे थे पोचिंगी में और हमारे साथ दो बंदे उतर गए थे, मतलब पोचिंगी के कोर में। अब यहाँ पर हड़बड़ाहट में चारों तरफ भाग रहा था कि मेरे को गन मिल जाए, बट यार तुम्हारे भाई को कहीं गन नहीं मिली और उन दोनों के हाथ गन्स लग गई थी। कौन सी गन्स लगी थी ये नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से वो मूवमेंट दे रहे थे ना भाई, मतलब घेरने की कोशिश कर रहे थे, मेरे को समझ में आ रहा था कि उनको गन मिल गई। बस जो भी हो, यहाँ पर मेरे को एक M16 मिली, तो एटलीस्ट आत्मरक्षा तो कर ही सकता था तुम्हारी भाई यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर मेरे को एक और M16 मिली, और जब मैं छत पे गया तो मेरे को यहाँ पर एक शॉट गन पड़ी मिली, एक और M16 मिल गई। तो यहाँ पर मैंने M16 उठाई, शॉट गन उस टाइम मैं देख नहीं पाया था शायद, लेकिन यहाँ पर एक शॉट गन मिली जो कि मैंने उठा ली। अब देखो मुझे पता था कि जो बंदे हैं वो एक इस वाले घर में है और एक आगे कहीं पर है मंडरारा, तो क्वेश्चन ये था कि इनको मारूं कैसे, क्योंकि ये पुश करने की तो सोच रहे थे, और भाई शॉटगन से तो तुम जानते हो मैं कितना वीक हूँ। वेल यहाँ पर तुम्हारे भाई ने मौके पे चौका मारा है, एक बंदा क्रॉस कर रहा था फ्लैंक करने के लिए और मैंने उसको वहीं पर पकड़ लिया। अब उसके साथी ने भी मेरे ऊपर फायर दिया बट उसने भी M16 से फायर दिया था, तो यहाँ पर मैं एक बात तो समझ गया कि उसके पास M16 है और दूसरी कोई गन भी टट्टी सी है। अब देखो यहाँ पर बस मेरे को पुश करना था क्योंकि मेरे को पता था ये जो बच रहा है इसके पास कोई अच्छी गन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने शॉटगन से उसे एक हिट दी
और फिर एक फॉलो अप शॉट लेते हुए भाई को यहीं पर खत्म कर दिया। यहाँ पर इसके पास M4 उजी वेक्टर कोई भी ऑटो पे चलने वाली गन होती ना तो ये मेरे को भर देता, और शॉट गन होती तो शायद मैं इतनी दूर तक भी नहीं आ पाता। वेल जो भी हो, उसके बाद यहाँ पर रेड जोन आ गया था और मेरे को गाड़ी लेनी थी, तो मैं यहाँ पर सोचा कि जब तक रेड जोन हटता है चलो थोड़ा बहुत लूट लेते हैं। लेकिन तभी मेरे को सरप्राइज्ड MK का साउंड सुनाई दिया, MK-47 समझ रहे, बैरल का साउंड सुनाई दिया था मेरे को। तो यहाँ पर मैं चेक करने गया, क्योंकि यार ये ऐसा तो साउंड नहीं था कि किसी बॉट ने चलाया हो, तो यहाँ पर मैं चेक करने आया। मैं थोड़ा ओवर एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं करा, मैं चुपचाप यहाँ बैठा हुआ था देखने के लिए कि है कहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एकदम से मेरे को साउंड आया फुटस्टेप का, और एक बंदा मेरे को दिखाई दिया जो जिगल मारता हुआ अंदर घुस गया घर में, और एक पीछे था। तो यहाँ पर मैं समझ गया कि ये कोई डुओ वगैरह है, लेकिन भाई मैं पूरी तरीके से गलत था यहाँ पर। क्यों गलत था तुम खुद देखो भाई साहब, ये बॉट निकला यार, बॉट कब से जिगल करने लगे लेफ्ट राइट का। वेल जो भी हो क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मारा। अब मेरे को लग रहा था कि दूसरा वाला तो बंदा हो गई, तो मैं यहाँ पर आके TPP लेने लगा, लेकिन इधर भी जज्बातों पे पानी फिर गया और ये भी एक बॉट ही निकला। वेल उसके बाद हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुके, हमने गाड़ी उठाई और सीधा आया स्कूल पे, क्योंकि यहाँ पर घमासान युद्ध हो रहा है। अब यार मैंने इधर साउंड कम कर रखा है, वरना तुम भी कहते क्या ही फायरिंग हुई थी। वेल यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखा था, और मेरा प्लान ये था कि मैं एक नेट डालूं, बट यहाँ नेट की पिन ही नहीं खींच रही थी यार, और जब खींची तो नेट यहीं पर गिर गया। अब मैं बचने के लिए भागा नेट से, अब मैं ऊपर चढ़ रहा था कि पीछे से फायरिंग होने लगी। अब मुझे नहीं पता कि मैं पीछे वालों से कैसे बच गया, लेकिन किसी तरीके से मैं यहाँ पर आ गया था। मैं थोड़ा बहुत कवर में तो था ही, तो मैंने जल्दी से फटाफट हेल्थ लगाई। अब यार वो लोग लगातार फायर करे पड़े थे और मेरे कानों के पास से गोली जा रही थी। अब वो मेरे को फायर नहीं कर रहे थे, असल में वो मेरी गाड़ी फोड़ रहे थे जो उन्होंने फोड़ भी दी। अब मैं उनसे कंटेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता था, मेरे पास एक तो M16 थी, प्लस में कोई स्कोप भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि उन्हें स्कूल में ही लोगों को मार के उनसे M4 और उनके स्कोप्स लूट लिया जाए। तो भाई ये काम में तो तुम्हारा भाई पीछे रहने वाला था, नहीं तो मैं सीधे स्कूल में घुस गया। जब क्लोज रेंज वाली गन है तुम्हारे पास तो फाइट क्लोज रेंज में ही लो ना, लंबी दूरी पर क्यों ही पंगे लेने। वेल यहाँ पर मेरे को साउंड आ गया था, और मैं जानता था बंदा सामने वाले कमरों में से किसी एक कमरे में है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ तक जाना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता अगर वो TPP ले रहा होता। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं नेड अंदर घुसेड़ने की कोशिश करता हूँ, वो जो कमरा है उसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं है, तो अगर नेड अंदर घुस गया ना तो वो बंदा उधर ही पक जाएगा। अब पहला जो मैंने नेट डाला वो वहाँ दरवाजे के जो लैच होता ना उस पर लड़के आगे आ गया, तो वो बच गया। फिर यहाँ पर मैंने एक और नेट फेंका, इस बार थोड़ा और अच्छे से एम करा था मैंने, लेकिन यार वो बंदा कमरे से बाहर निकल आया। अब यार इसको मैंने मार तो दिया, लेकिन लूटने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर ठुकी और दो बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे थे। अब यहाँ पर मेरे सामने प्रॉब्लम ये थी, या तो मैं लूट लूँ या तो हेल्थ लगाऊं, तो मैंने प्रेफर करा मैं हेल्थ लगाऊंगा, क्योंकि देखो इस रेंज पे लड़ने के लिए मेरे पास उजी थी और मेरे को उजी पे अच्छा खासा भरोसा। अब देखो एक बंदा सामने दरवाजे पे था, मैं सोचा था शायद वो चेक नहीं करेगा, बट उसने चेक करा। अब उसने मेरे ऊपर फायर करा था, लेकिन मैंने उसको एक गोली मारी, उजी से गोली मारी थी तो कोई खास फर्क उसे पड़ने वाला था नहीं। लेकिन अब दो बंदे मेरे ऊपर चढ़ रहे थे, तो यहाँ पर मेरे पास प्लान था, मैं यहाँ पर आके बैठने वाला था। मुझे पता था कि अगर ये दोनों बंदे साथ में आए तो मैं एक नेक को चपेट दूंगा और दूसरा आ जाएगा टेंशन में, और वही एग्जैक्टली होने वाला है यहाँ पर। देखो मैंने एक को कैसे ऊपर चढ़ने दिया और दूसरे को नॉक करा, और फिर पहले वाले को डैमेज भी दिया और इजीली इन दोनों को खत्म कर दिया। यार मैंने एक चीज नोटिस करी है, इस जगह पर जब कोई होल्ड करता है ना, जहां पर मैंने होल्ड करा था, वहां पर जब दो बंदे एक साथ घुसते हैं ना तो पीछे वाला नॉक होता है और आगे वाला फंस जाता है। और आमतौर पर बेटर यही रहता है कि आप जो एक आदमी पुश कर दो और एक दूसरी तरफ से आओ घूम के, तो ज्यादा अच्छे चांसेस रहते हैं बंदे को मारने के। अगर वो बंदा मतलब थोड़ा खड़ा हो जाता है, क्राउच रहता है, तो बात ही अलग है। वेल उन दोनों बंदों को मार के मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, मेरे को स्कोप मिल गई थी, गन मिल गई थी, M4 एमो मिल गया था, लेकिन एक ड्रॉप मेरे को दिखाई दिया था। जब मैं लूटने जाने लगा तो वहां पर मेरे को एक लाल गाड़ी जाती हुई दिखाई दी। अब यार मैं गाड़ी का पीछा करने जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी गाड़ी बहुत दूर थी, अब वो कहीं पर भी चली गई होगी। अब मुझे नहीं पता वो स्क्वाड हाउस गई, वो आगे वाले 3 स्टोरी पे गई, या वो कहीं और निकल गई। तो मैं बस उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी किस्मत चमके और वो मेरे को मिल जाए। और यकीन मानो मेरे को गाड़ी तो नहीं बट एक बंदा ज़रूर दिख गया। अब इस बंदे ने मेरे ऊपर
ऑग जलाई दी। तो यहाँ पर मेरे को शक हुआ यार, ऑग तो ड्रॉप में मिलती है और उसने ड्रॉप लूटा होगा, तो क्या ये वही बंदे हैं जो लाल गाड़ी से निकल के भागे थे? अब यार अगर ये वही बंदे थे तो ये रुकी क्यों? क्या इन्होंने मेरे को देख लिया था जब मैंने इनको देखा था? वेल बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन एक बंदा ओवर एक्सटेंड कर गया और मैंने इसको धर लिया, मतलब इतनी जल्दबाजी। अब मेरे को इसके बंदे का कोई लोकेशन नहीं पता था, तो यहाँ पर मैं हेल्थ वगैरह लगाने लगा भाई, लेकिन वो बंदा मेरे को दिख गया, पत्थर के पीछे था वो। अब वो डीपी चला रहा था और मैं डीपी से इधर पंगा नहीं लेना चाह रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको फिनिश करते हैं। बट यार इतनी गोली खाने के बाद भी ये फिनिश नहीं हुआ, मैंने आगे कंटिन्यू फायर नहीं रखा था वरना डीपी वाला मेरे को भर देता। अब डीपी वाला यार उसे आराम से रिवाइव दे रहा था और यहाँ पर मेरे को हेल्थ लगाने पड़ रही थी। अब यार ये बंदा जैसे ही बाहर निकला मैंने एक गोली छुड़ाई और नॉक हो गया, और उसको फिर मैंने फिनिश करने की कोशिश करी बट ये फिर फिनिश नहीं हुआ, मतलब बहुत ही लकी बंदा था ये। अब यार मेरे को पीछे एक बंदा दिखाई दिया, मेरे को लगा मेरी किल चोरी होने वाली है, बट यार ये एक बॉट निकला। अब देखो पत्थर के पास काफी स्मोक हो रखा था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था बंदा कहां से निकलेगा। अब यार इसको मैंने 3 गोलियां मारी थी बट ये बच गया। अब ये पीछे बॉट था बंदा, मैं कंफ्यूज क्योंकि नाम और झंडा बॉट जैसा दिख रहा था, लेकिन इतनी दूर ये बंदा पत्थर से पहुंच कैसे गया इतनी जल्दी? लेकिन यार वहां पर दूर तो बॉट क्यों ही होंगे, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन की बमबारी हो रही थी मेरे ऊपर इस टाइम, तो यहां पर मैं डिसाइड करा कि मैं पुश करूंगा, अगर 2 बंदे होंगे तो यही होंगे। लेकिन मिला मेरे को सिर्फ एक ही, जिसको मैंने जैसे ही मारा तो पहला वाला बंदा भी खत्म हो गया, तो मैं समझ गया कि ये दोनों एक ही पार्टी के बंदे थे। वेल इनसे मेरे को कुछ ज़्यादा लूटना नहीं था, बस मैंने एमओ वगैरह ले लिया। उसके बाद मैं बगी लेके लौटा तो यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी। अब भाई साहब गाड़ी यहाँ पर पहले थी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर बंदे होंगे, क्योंकि 4 व्हीलर कोई छोड़ के जाता नहीं। एक बार बगी पड़ी होती तो मैं फिर भी चेक नहीं करता, लेकिन 4 व्हीलर है तो चेक करना बनता है बॉस। अब यहाँ पर मेरी हेल्थ भी डैमेज हुई थी बट वो बूस्टर से रिकवर हो रही थी, और मैं जब सीढ़ी चढ़ने लगा तो मेरे को साइड वाली बिल्डिंग से कुछ फुटस्टेप आए, तो मैं समझ गया कि यहाँ पर बंदे हैं, मिनिमम 2 बंदे और सामने वाले घर में। अब यहाँ पर देखो मैं बहुत देर वेट कर रहा है इनका कि ये पीक देंगे मेरे से लड़ने आएंगे, बट नहीं, वो मेरे आने का वेट कर रहे थे वहाँ पर। अब मैं आमतौर पर चला जाता बट लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा रुक के खेल रहा था, आज मैं दिमाग लगा रहा था, गन गेम बिल्कुल भी नहीं खेल रहा था, मैं एंगल्स वगैरह पे खेल रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने इनकी गाड़ी वेट करी, मैंने उनको ऐसा लगाया कि मैं उनकी गाड़ी लेके भाग रहा हूँ और वो इस जाल में फंसे नहीं, तो मैंने वाकई में अपनी बगी के टायर ही पंचर कर दिए कि इनके पास कोई गाड़ी ना हो। अब यार यहाँ पर से अब देखो ऊपर वाले अपार्टमेंट से फायरिंग हुई थी बट मेरे को वहाँ कोई दिखा नहीं। अब दिखा नहीं तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली गाड़ी उठाते हैं, रेड वाले घर पे चलते हैं, वहाँ जो वॉल है उसके पीछे से एक क्लियर एंगल मिल जाएगा, तो ये प्लान मेरे को अच्छा लगा, मैं वहीं गया। अब देखो यहाँ पर मैं आया, वो बंदा भी मेरे को दिखा बट यार वो बंदा उछल रहा था। अब यार सच बताऊँ मेरे को पहले लगा था शायद वो उछल उछल के मेरी गोलियां डॉच करने की कोशिश करेगा, बट ऐसा था नहीं, वो गन पीछे रख के उछल रहा था, तो यार ये भाई तो अपना जाना पहचान का ही होगा। तो यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया ऐसे ही और मैं गाड़ी लेके जाने लगा, लेकिन यार इसने ऊपर मेरे ऊपर फायर करा। अब मेरे को यहाँ पर गुस्सा चढ़ी थोड़ी सी, मैं कहा यार ऐसे ही 13 बंदे बचे मेरे 10 ही के लिए, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ यार, तुम मेरे ऊपर फायर कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरा इसको मारने का कोई खास प्लान नहीं था, मैं इसके ऊपर एक स्प्रे देने वाला था इसको डराने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक स्प्रे दिया, उसको एक गोली भी छुली और फिर मैंने स्प्रे डिसकंटिन्यू करके अपनी गाड़ी उठाई और फौरन यहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरे को उसको मारने का प्लान नहीं था। क्या पता यार भाई अपने को जानता हो और वो गुस्सा हो जाए, है ना? तो यहाँ पर रिस्क नहीं लिया हमने, उसको वहीं छोड़ दिया, हम गाड़ी लेके आगे गए जोन की तरफ। और बहुत अरसे बाद ये राइस फील्ड में मेरे को कोई दिखाई दिया, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं जब आगे गाड़ी लेके गया तो मेरे को एक और गाड़ी दिखाई दी, तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और उन पे फायर करने की सोचने लगा। अब भले ही मैं किसी को सो गाइस आज की वीडियो नहीं पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। यप।